भाई आज हिलेन हम कहे चलिए। अरे हम यही चल रहा था तभी देखी डीजे वाला आई जो धसा रहा पड़ी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपको अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मुझे फ़ोन आई है, जौनपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक उत्तर पट्टी गांव है और इस प्लेसमेंट पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर एक स्नैक दिखा हुआ है और वो सीधे घर में जा चुका है। घर तो काफ़ी अच्छा है और इस घर में वो स्नैक कैसे आ चुका है, शायद अपनी भोजन की तलाश में इसमें पहुँचा है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं कौन सा स्नैक है। शायद काफ़ी भारी भरकम का हो सकता है और हमारे उत्तर पट्टी के गाँव के लोग हैं तो हम आपको करीब से चल करके दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो एक बार फिर से मुरली वाले हौसला आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप नज़रें जमा के रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी में वो स्नैक हमारे घर में प्रवेश कर चुका था। तो एक बार आप नज़रें जमा के रखिए, शायद इसी जो बोरी रखी हुई है, चावल की बोरी है, इसी के अंदर हो सकता है। तो हम कैच करते हैं, आप नज़रें जमा के रखिए। थोड़ा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग थोड़ा बाहर रहिए, हो सकता है टाइम अगर भागे तो आप भागे तो सब भी पर सर। अरे ये भाग रहा है, अरे भाग रहा है, बाहर रहिए, हम लेके आ रहे हैं। बंद कर दी? हां बंद कर दी। तो ठीक है दोस्तों, हम उसे कैश करने के लिए चल रहे हैं। तो आप मेरे जमा कर के और देखते हैं कि इंडियन रेड स्नैक के नाम से जाना जाता है और यही वो सांप है। ये है इंडियन रेड स्नैक का नाम जाना जाता है। तो दोस्तों ये काफी खतरनाक स्थिति में है, तो हो सकता है ये। तो दोस्तों हम आपको दिखाना चाहते हैं एक बार फिर से। और आप देख सकते हैं किस तरीके ये भाग रहा है और भोजन की तलाश में आया है। ठीक है दोस्तों, हम इसे रेस्क्यू करते हैं। हमारे रेस्क्यू करते हैं दोस्तों, इसे कैच करते हैं क्योंकि समय न होने की वजह से दोस्तों हम देख सकते हैं किस तरीके अटैक कर रहा है और ये काफी गुस्से में है इस समय और अटैक कर भी सकता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके अटैक करता है ये। ये फंदे काटता है पर फंदे नहीं काटता है ये, पर काफी गुस्से में है ये। सर देख सकते हैं कोबरा की तरह ये भी जंप मारता है और किसी को काट भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप विलंब ना करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है और इसको चोट लगी है दोस्तों, और इसको चोट लग गई है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसको चोट लगी हुई है और तब ये जाकर के शायद घर में भाग चुका है। तो दोस्तों अक्सर ये नेवले की लड़ाई में ही आता हुआ है, साइकिल से दबा हुआ है। ठीक है तो चलिए बाहर चलते हैं और दिखाते हैं अपने दोस्तों को। तो दोस्तों शायद ये कहीं कहीं से छोटी हुआ है, आप देख सकते हैं। अरे भाई आज जो धीरज वाला है, धीरज वाला है, देखा पार हो गया ये सिंधी है और ये चोट कैसे लगा? चोट लगी है पार हो गया पूरा, मजे देर तक रहा वही प्लास्टिक बोरी लिया, एक बोरी प्लास्टिक लाइ लिया।
यह इनकर कला। तो दोस्तों ये अक्सर हमारे घरों में हमारे गांव में क्योंकि ये इसको चोट लगा हुआ है। अरे दूसरा ना रहा आज हिले हम कहे चलिए। अरे हम यही चल रहा तब देखी डीजे वाला आई जो दशहरा पड़ी। ये हमारे पर्यावरण के बड़े ही संरक्षण हैं। इनको मारना नहीं चाहिए, इनको अपने घरों से बाहर निकाल कर देना चाहिए, पकड़वा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसे बोरी में पैक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे रेस्क्यू कर लिए हैं और जंगल में ले चलेंगे, रिलीज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन को प्रेस करें। एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।